आदमी ने कहा है कि मेहमान जो होता है भगवान का रूप होता है, बिल्कुल सही कहा है। क्यों? क्योंकि भाई आप देखो ना, किसी घर में मेहमान आते ना, अपने आप आदमी के हाथ जुड़ जाते, भाई ये कहां से आ गया है। मेहमान लोगों की भी अपनी अपनी कैटेगरीज होती है भाजी। ये जो पैसे वाले लोग होते हैं ना, उनके मेहमान थोड़ा कम आते हैं, क्योंकि उनके पास खुद टाइम नहीं होता, आएंगे भी तो कार्ड देने आते हैं, जो चार बातें करके निकल जाते हैं। मिसेस शर्मा यू हैव टू कम दिस टाइम, डोंट डिच मी, नहीं तो नाराज हो जाएंगे पूरा। यही है। और बड़े लोग ना पैसा बड़ा है, क्रिएटिविटी वाले कार्ड लेके आते हैं, ऐसे कार्ड खोलो पहले कुछ निकलता है, ये ऐसे लगता है तीन चार बच्चों की इकट्ठी शादी का कार्ड देके गए हैं। बाद में कार्ड निकलता है तो छोटा सा पप्पी निकलेगा, ऐसे कागज का बना हुआ, हमारे पप्पी का बर्थडे है। लेकिन जो हम जैसे मिडिल क्लास लोग, ये जब कार्ड छपवाते हैं अपना, ये पूरा पैसा वसूल करते हैं, पूरा रिश्तेदारों के नाम लिखवा लेते हैं, भर भर के आ रहे SVP, फलाने फलाने जीजा छज्जू लाल, ये वो सब लिखवाते हैं। लास्ट में थोड़ी सी जगह बच जाती है ना, वहां पे नीचे लिखवा लेते हैं, मेरी बुआ की शादी में जलूल जलूल आना, ऐसा होता है। कुछ मेहमान जो होते हैं वो बिन बुलाए चले जाते हैं, बिन बुलाए भी नहीं, धक्के से भी चले जाते हैं। ये बना दिनेश है ना गिटार वाला, ये एक बार किसी की पार्टी में घुस गया, वहां पे वो उन्होंने पकड़ लिया, कहते आप किस तरफ से, कहते मैं दूल्हे का अजमेर वाला दोस्त हूँ, शायद आपने मुझे पहचाना नहीं। कहते नहीं वो तो ठीक है अजमेर से आए, लेकिन दूल्हा तो अभी 3 साल का, उससे तो मुंडन हो रहे हैं अभी। ये पकड़ा गया भाजी, मान ना मान मैं तेरा मेहमान। ये पकड़ा गया, उन्होंने फिर बच्चे के मुंडन बाद में किए, पहले इसके किए, पुरानी बात अब तो दोबारा होगा है। फिर इसका गला जो फूला हुआ ना, गले में मुक्का मारा, कहते हमारा रसगुल्ला बाहर निकाल दे। कहते भाई साहब मारिए नहीं, ये रसगुल्ला नहीं, मेरे गले का कौआ है, मैं कौए पे मार मार के इसके तोते उड़ाए भाजी। अच्छा हम जैसे आम लोगों घर में मेहमान आ जाए ना भाजी, तो चाय पानी से ज्यादा हमें टेंशन इस बात से हो जाती है सुलाएंगे कहाँ। फिर घर के सबसे बड़ी बुजुर्ग होती ना अम्मा, जैसे मतलब वो सलाह करती है, फिर आपको नहीं कह रहा हूँ पीछे था। तो सबसे ज्यादा टेंशन होती है सुलाएंगे कहाँ, तो घर की सबसे बुजुर्ग अम्मा वो फिर प्लानिंग करती है, बेटा ऐसा है कि तू जीता मामा और ये रच्छू बुआ, तुम लोग एक चारपाई पे हो लियो, मैं तेरी बुआ भाभी हम लोग एक खाट पे हो जाएंगे, ये और चंदू एक रजाई में हो लियो, और जीतू चाचा तो खुद डिसाइड करेगा पी के कहाँ गिरना है। तो बच्चों को हम लोग छत पे गद्दे डाल देंगे, तो मेहमान कहीं की पूछते भाई हमारा तो ठीक है, आप लोग कहाँ पे सोएंगे, अब आप लोग 11 की मंडली आई, हमें नींद कहाँ आएगी, आप अपना देखो। कुछ मेहमान ऐसे आएंगे पाजी, उनको हमारे शहर से ज्यादा नॉलेज खुद को होती है। हाँ। कभी कभी हमें बहाना लगाना होता है ना कि भाई साहब आप आए हैं तो आपको ड्रिंक व्रिंक लाते, लेकिन ड्राई डे है। अरे काय का ड्राई डे, बस अड्डे के बाहर जाओ, शटर टूटा हुआ है, 100 रुपए डालो पौआ बाहर आता है, पूरा पता करके आते हैं। पर ऐसे मेहमान होते कभी शाने बड़े होते, फोन करके कभी नहीं आते, इनसे पूछ लो भाई साहब फोन करके आना चाहिए था, अगर मैं नहीं मिलता तो, अगर फोन करके आते फिर तो आप पक्का नहीं मिलते, इसलिए बिना बताए आ गए। अच्छा कुछ जीजा फूफा टाइप के मेहमान होते हैं ना, ये बड़े मुंह फट होते हैं भाई, कुछ ही बोल देते हैं, इनको आगे पूछे ना फूफा जी चाय लेंगे चाय पानी वगैरह, अब चाय पिला दो, चाय पिला तुम्हारी पानी जैसी होती है, मुंह पे बेइज्जती कर देते भाजी। कुछ लोग जहां के रहने वाले होते हैं वही रह सकते हैं, कभी कभी मेट्रो सिटीज में आते ना गाँव से निकल के, तो किसी का 2 BHK 2 रूम वाला फ्लैट उसको देके बोल रहे होते हैं, क्या घर बनाया है इतनी जगह में, तो भैंसिया बांधते हैं हम गांव में, शहर की जिंदगी कुछ नहीं भैया। बेगम बेग, हाँ मजाक नहीं कर रहे, इतनी जगह में भैंसिया बांधते, अब उसको कौन समझाए कि अगर इसको बेच दे तो तेरी भैंसों समेत 4 गांव खरीद ले हम लोग। अच्छा कुछ तो आते बड़ा इमोशनल हो जाते हैं, जिसके घर में आते उसी के फोन से लगाते हैं, मम्मी आ तो गया हूं, दिल नहीं लग रहा, पता नहीं 1 साल कैसे निकालूंगा। सामने वाले को आठवेल। अब जिसके घर में आया ना वो आठवेल, उसकी आंखें बाहर आ जाती हैं। फिर फोन पे लगा, अरे मम्मी अब आया हूं तो कुछ बन के ही जाऊंगा। अबे तू गर्मी की छुट्टी काटने आया कि बीटेक करने आया बे? एक तो हमारा एक दोस्त आया मेरे को आगे बोलता, पाजी मुंबई में टाइम का पता नहीं चलता, मैं कहा पता कहां चलेगा कमीने, घड़ी तो ले पहले। अच्छा कुछ मेहमान है इतने भुक्कड़ होते ना बाजी, छोटी छोटी चीजें कभी लेके नहीं आते, चप्पल तौलिया वगैरह कभी नहीं अपना लेके आएंगे, फिर अपना 12 नंबर का पैर ना 7 नंबर वाली चप्पल में फंसा रहे होते हैं, और 7 नंबर वाली चप्पल यूं हुई होती है।
और जाते जाते हमारी 7 नंबर वाली चप्पल 9 नंबर की करके जाते हैं। अच्छा, कुछ लोगों ने अपने बच्चों को सिखाया होता है कि मेहमान आए तो उनके सामने कुछ उठाना नहीं, तो इस चक्कर में कई कई बार बच्चे की निक्कर गिर जाती, वो भी नहीं उठाते। इस चक्कर में आधा आधा घंटा नंगे खड़े रहते कई कई बार। तो कभी मेहमान पूछते, बेटा आप भी बिस्किट लो, बच्चा बाप की तरफ देख रहा था। मेहमान जब चले जाते हैं फिर इन बच्चों के टैलेंट का तब पता चलता है। समोसा उठाते हैं, उठा के चटनी नहीं लगाते, समोसा एक वन वे में जाता है इनका, समोसा कुहनी फिर यहां तक चटनी। ये पूरा अपना टैलेंट दिखाते हैं उस समय। अच्छा, हिंदुस्तान में मिडिल क्लास फैमिली में एक बड़ी प्रॉब्लम है, ये जो व्हाइट वाला डिनर सेट होता है ना, एक अलग से रखा होता है, मेहमान आएंगे तो निकालेंगे, और जो मेहमान आने होते हैं उनका भी यही सिस्टम होता है अपने घर में। हाँ। कि मेहमान आएंगे तो व्हाइट वाला डिनर सेट निकालेंगे। इस चक्कर में पूरा हिंदुस्तान टेढ़े मेढ़े बर्तनों में खाना खाता जा रहा है। भैया अपने अपने बर्तन निकाल लीजिए, व्हाइट वाला डिनर सेट संभाल के मत रखिए। खैर पाजी, हर चीज के दो पहलू होते हैं। हर रिश्तेदार ऐसा ही नहीं होता, हर गेस्ट ऐसा ही नहीं होता कि जो आपका खर्चा कराए। कुछ गेस्ट ऐसे भी होते हैं जो आके पैसे देके जाते हैं, बशर्ते कि आपने गेस्ट हाउस खोला हो। हैं? तो आज हमने अपना गेस्ट हाउस खोल लिया है। पिट्टू शर्मा तू क्या क्या करता है यार, क्षमा बनी तो परवाने बने, जाम बना तो मैं खाने बने। कुछ तो खास बात है बिट्टू शर्मा तेरी फैमिली में, वरना यूं ही नहीं शहर में पागल खाने बने। मुझे लगा मेरी तारीफ करने वाले यार। ये तेरी फैमिली की तारीफ की है, तू तो खास बंदा है शर्मा जी। ये मैं क्या सुन रही हूँ? क्या सुन रही है? अल्ताफ राजा ने नई एल्बम निकाल दी क्या? मैं गेस्ट हाउस की बात कर रही हूँ। आप अपने घर में गेस्ट हाउस खोले, मेरे बारे में नहीं सोचा, मैं कहाँ जाऊंगी? अरे मैं आपकी अर्धांगिनी, आपकी बीवी, आपकी वाइफ, आपकी धर्म पत्नी, त्वाड़ी बोटी कहा जाऊंगी? मेरे को एक रिश्ता बर्दाश्त नहीं है, अर्धांगिनी, बीवी, बोटी, बोटी, व्हाट इज दिस? एक रिश्ता बर्दाश्त नहीं होता, मतलब अगर पापा ने ये बात सुन ली ना तो देखना क्या करेंगे वो। तेरे पिताजी को बताएगा कौन? तेरे फोन में आउटगोइंग नहीं, उसके फोन में इनकमिंग नहीं। पूरे गांव में एक ही फोन है सरपंच के पास, उसके पास भी सिम कार्ड नहीं। और अगर होता भी तब भी कुछ नहीं होता, क्योंकि सरपंच की तेरे बाप के साथ बनती नहीं। सरपंच से पैसे ले ले शादी की, मेरे को क्या सुना रही तू? एक सेकंड, किसने कहा आपसे ये झूठ? हाँ, मेरे को दिखता नहीं है क्या विदाई बैठे टाइम डैडी से ज्यादा सरपंच रो रहा था? अरे वो विदाई वो मौका ही ऐसा होता है, मैं भी इमोशनल हो गई थी, कितना रोई थी मैं। भावना तो गेट तक ही रोई थी, गेट से लेके यहाँ तक आज तक मैं ही रोता आया हूँ। शर्मा जी क्या है? क्या है? ज्यादा शर्मा जी चला के बोलोगे तो शर्मा अंबानी नहीं हो जाएगा, शर्मा शर्मा ही रहेगा। जब तक शादी की ना कहीं बाहर घुमाने लेके जाते हो नहीं, घर को गेस्ट हाउस बना दिया, हमारी प्राइवेसी का क्या होगा? कौन सी प्राइवेसी हमारी? 9 कबूतर 12 चिड़िया रहती हमारे कमरे में। आपको पता भाजी, अब कबूतर लोग भी इतने फ्रैंक हो गए ना, एक सबसे छोटा वाला कबूतर तो मेरे को चाचू चाचू बोलता है। और जो चिड़िया रहती ना, एक चिड़िया का बच्चा एक दिन अपनी माँ से बोल रहा था, कहता है मम्मी ये बिना चोंच वाली बेड पे सो रही, हम अलमारी पे क्यों बैठे हुए हैं? और तो और भाजी मैं आपको क्या बताऊं, इनके रिश्तेदार इतने बदतमीज, जब डोली आई ना, डोली में 4 लोग बैठ के आ गए, कहते बिटिया जा तो रही बस स्टैंड, हमें भी ड्रॉप कर देना। तो ये तो इनकी हंसते हैं। आप बात को समझ क्यों नहीं रहे? अगर गेस्ट हमारे कमरे में सोएंगे तो मैं क्या सोफे पे सोऊंगी? अब मेरा ख्याल क्यों नहीं रख सकते? मतलब मेरे पापा ने कितने नाजो से पाला है मुझे। नाजो से नहीं बेबी, मांगो से होता है। जो बच्चे मांग मांग के पाले जाए उनको मांगो से बोलते हैं। अच्छा, माँ बाप बच्चे को पाल पोस के बड़ा करते हैं, इसके माँ बाप ने पता नहीं बीच में ही छोड़ दिया, इनका च्यवनप्राश खत्म हो गया था। और मैं क्या क्या हरकतें बताऊं पाजी अपने पिता साहब की, बता बता दे। एक बार हलवाई के पास गए, 1 किलो जलेबी खा ली, पैसे थे नहीं, उसने 2 थप्पड़ मारे, कहते भाई साहब 1 किलो के 2 थप्पड़ 2 और मारिए 1 किलो पैक कर दीजिए। ये हरकतें करते हैं। उसने 2 थप्पड़ मारे थे, कहते दूसरा वाला थोड़ा जोर से लगा, 1 एक्स्ट्रा समोसा डाल दीजिए। मेरे पापा बिल्कुल भी ऐसे नहीं है, एंड यू नो दैट।
बल्कि वो जब भी आते 4 पैसे दे के जाते हैं। 5 रुपए की कोई वैल्यू नहीं, 4 पैसे क्या करूं 4 पैसे का मैं। एक सेकंड, मैंने कहावत कही है। अच्छा अब कहावत भी तू कहेगी तो सिद्धू बाजी को क्या आधार कार्ड बनाने के लिए रखा हुआ है? मेरा दुकान बंद। इनाफ शर्मा जी बहुत हो गया, आपको जो करना है कीजिए, मुझे मत कहना कि मेरे गेस्ट हाउस की रिसेप्शनिस्ट बन जाओ, ये बन जाओ, वो बन जाओ, मैं कुछ नहीं मानूंगी, मैं तंग आ गई हूँ। अरे बेबी तू रिसेप्शनिस्ट लगती है पागल, जाके माली बन, मनी प्लांट को पानी दे। ए ध्यान से जाना, बाहर भैंस खड़ी है मारती है, उसके बिल्कुल पास से निकल के जाना। शर्म नहीं आती? भैंस मुझे मारेगी, तुम खड़े होके देखते रहोगे? अब लेडीज की लड़ाई में मैं क्यों बोलूं? मैं नहीं, आई एम नॉट गोइंग। अब चली गई थी, बिफर गई, मुकर गई। शुक्र है गई बाजी। साहब जी मेरे से इस घर में काम नहीं होता। नहीं होता? नहीं होता। कोई बात नहीं, तेरे को व्हाइट हाउस में ओबामा का चीफ सेक्रेटरी लगवा देता हूँ। शकल देख लो इसकी। प्रमोशन, प्रमोशन। हाँ जी, मैंने इस घर में काम नहीं करना, मतलब नहीं करना। ठीक है, तुम्हें इस घर में काम नहीं करना, मत कर। हाँ। आज से गेस्ट हाउस में काम कर, हमने गेस्ट हाउस खोला है। आप तो ऐसे बोल रहे जैसे ऑस्ट्रेलिया में गेस्ट हाउस खोला है। खोला तो आपने इधर ही है ना, और आप खोलने से पहले मेरी सलाह नहीं दे सकते थे? तू राम जेठमलानी है, तेरी सलाह कहाँ से लूँगा मैं? अब मेरी बात ध्यान से सुन, अब मेरा टाइम वेस्ट मत कर। कोई भी कस्टमर इधर से आएगा तूने उसका ध्यान रखना, समझ में आया ना? ध्यान रखना, ये होटल खोला आंगनवाड़ी खोल लिया आपने? ये वैसे ध्यान रखना क्या चीज होती है? अबे बेवकूफ देख। हाँ। सारे कमरे में जाके चेक करना कि सारे कमरे में छोटी छोटी चीजें जैसे। हाँ। अरे कमरे में साबुन पड़ा हुआ है कि नहीं, ये सब चीजें। ठीक है, साबुन तो हमारे घर में एक है, हर कमरे में साबुन कैसे हो सकता है? एक तो ना गेस्ट हाउस के सीईओ का दिमाग खराब करके रखा है इसने। हाँ। अबे एक काम कर, आइडिया होता है। हाँ। एक साबुन रखा तूने गेस्ट हाउस में, मेहमान आया नहाया, जैसे उसने आंखों में साबुन लगाया, साबुन उठा के दूसरे कमरे में। मैं क्या ये काम कर सकता हूँ साहब, बट मैंने वेटर नहीं बनना बस। ठीक है यार, तेरे को मैनेजर बना देते हैं। हाँ मैनेजर, ये ठीक है। मुझे जरा मैनेजर के काम बताओ, क्या क्या करने है? अबे कुछ नहीं, मेहमान आएगा उसको चाय पानी पूछना आता, और क्या है? चाय पानी पूछना? हाँ। अगर उसने हाँ कर दी फिर क्या करना है? ठीक। अबे तूने कहना इस तरीके से कि कस्टमर खुद भी खुद ना कर दे। देख अच्छा, जैसे कस्टमर आया तूने कहा साहब जी ये जो चाय में मक्खी पड़ी हुई है चाय कस्टमर को दे दे, वो अपने आप मुकर जाएगा। अच्छा अगर उसने फिर भी हाँ कह दी फिर? तेरी फैमिली से कोई यहाँ पे क्यों आएगा? बकवास कर रहा है हर बात पे, मक्खी वाली चाय क्यों पिएगा? अब ध्यान से मेरी बात सुन, कस्टमर आएगा तुझे उसके रूम तक छोड़ के आना ऊपर, और किसी से बख्शीश नहीं लेनी। क्यों? मैं खुद ले लूंगा ना पहले। लेकिन साहब जी ये जब ये बख्शीश का काम तो वेटर का होता है ना। अब यार सारे काम तेरे से थोड़ी ना कराएंगे। कुछ तो मेरे करने के लिए भी छोड़, चल जा भाग जा, चल जा। साहब जी बहुत बड़े साहब जी हो आप, कंजूस। सुन कोई मेहमान आ रहा है, फुल ड्रामा करना है, ठीक है, जाहिर नहीं होने देना, हमने घर को गेस्ट हाउस बनाया है। ओके। और तूने यही कहना कि 300 कमरे, 300 के 300 फुल, कोई कमरा खाली है ही नहीं। ठीक है, भाग के जा सारे कमरे चेक करके। तो मैं आपको परसों मिलूं फिर? परसों क्यों बे? एक बंदा 300 कमरे चेक करते हुए टाइम तो लगेगा ही। मार थप्पड़ मारो तेरे भाजा। थप्पड़ ही मारते रहते हो बेवकूफ आदमी, बड़ा बदतमीज आदमी भाजी। दिल तो करता थप्पड़ मार के बाहर निकाल दूं, पर जब भी निकालने की बात करता हूं ना पैसे मांग लेता है। लेकिन है बड़ा जुगाड़ू पाजी, कुछ ना कुछ जुगाड़ करके ले आता है कुछ ना कुछ। एक बार तो वाइन शॉप पे चला गया, वहां पे जाकर कहता मेरे पेट में पत्थरी, 2 बोतल बियर दे दो। उन्होंने मुक्का मार के पत्थरी तोड़ी। बेवकूफ लोग पाले हुए मैंने घर में। हेलो हेलो, या तो आप बोल लीजिए या मुझे बोल दीजिए। जी सारे कमरे फुल, सारे यहाँ तक भरे हुए हैं, कमरा है ही कोई नहीं। आजा आजा बेबी वापिस चलते, इधर तो कमरा ही कोई नहीं है। एक्सक्यूज मी, हेलो, आप कौन है, आप कहाँ जा रहे हैं? नमस्ते नमस्ते। बाबू उठो, मेरा बाबू।
इस झंडे में डंडा लगाओ। मुझे और मेरे बाबू को ना आपके गेस्ट हाउस में कमरा चाहिए। बाबू क्या? आपके बाबूजी हैं। एक मिनट है, एक अंकल, मेरे को हिंदी आती है, रशियन मत बोलिए मेरे साथ। क्या बोल रहे हैं? अरे ये लैंग्वेज है, ये खांसी खांसी है, खांसी। कमरा है तेरे यहाँ पे कोई तो बता मेरे को। कितने मिनट के लिए चाहिए? मेरा दिमाग खराब हो गया, पूरे 3 दिन का ये कमरा चाहिए मेरे को, 3 दिन। हम तो दे देंगे 3 दिन के लिए, आप टिक जाएंगे? मतलब? नहीं नहीं, मतलब नया शहर है, क्या बड़ा दिल लगे ना लगे उस हिसाब से। अरे वाह वाह वाह, मेहमान आए, शाबाश। ब्लैक एंड व्हाइट बहुत ज्यादा गर्मी। हमें भी कुछ पूछ लो। अच्छा आपसे? हाँ? तो आप ये बताइए ककोरी कांड कब हुआ था? अरे चाय पानी का कुछ पूछ, वो बोल रहे हैं। हाँ, आप क्या लेंगे? बेटा मैं तो चाय के साथ हमेशा कॉफी लेता हूँ। लोग चाय के साथ चाय कॉफी मिक्स, चाय के साथ कॉफी, लोग चाय के साथ बिस्कुट लेते हैं। बेटा इस उम्र में बिस्किट चबाए नहीं जाते, अब तो हालत ये हो गई, केला भी उबाल के खाना पड़ता है मेरे को बेटा। ए राजू। हाँ जी। इनको चाय चाहिए, इनको कॉफी। हाँ। मेरे को जूस। हाँ। ठीक है ठीक है। और कुछ लेंगे आप? नहीं नहीं, इनको 5,000 रुपए दे दीजिए। बाबू सिर्फ चाय कॉफी के 5,000? अरे चाय कॉफी तो सस्ती है, हमारा पुराना उधार है वहाँ पे। तो हम तुम्हारा उधार क्यों देंगे बेटा? यार ये कमाल हो गया। हाँ? हम लोग भी तो अनजान आदमी को कमरा दे रहे हैं ना, आपको चाय कॉफी पूछ रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं, अभी मत दीजिए, बाद में एडजस्ट कर लेते। जा राजू, भाग के जा, शाबाश। चलो जा। तू ये बता तेरे पास कमरा है कि नहीं? देखिए रूम तो आपको मैं करवा देता हूँ रेंज। हाँ? लेकिन किराया 25,000 होगा। 25,000 तो बहुत ज्यादा है बेटा। अरे फैसिलिटी भी तो देखिए ना, सब कुछ देंगे हम, नाश्ता आपको, लंच देंगे, डिनर देंगे, सब कुछ फ्री में देंगे ना। नाश्ते में क्या मिलेगा? नाश्ते में आपको बड़ा पाव, 2 अंडे मिलेंगे। और लंच में? लंच में जो नाश्ते में बच जाएगा वो लंच में देंगे। डिनर में क्या दोगे? डिनर बता। तो डिनर में जो बचा वही तो नाश्ते में दिया, आप दिमाग क्यों खराब कर रहे हैं इतना? कमाल है यार, तुम तो हमें पागल पे पागल बनाए जा रहे हो। हमें नहीं रुकना, आओ आओ हम चलते हैं। मैं करता हूँ रेंज कुछ आपके लिए। मैनेजर। यस सर। अबे इनके लिए कमरा खाली है कोई? नहीं सर, कोई रूम खाली नहीं है, 300 रूम थे, 300 के 300 बुक है। गेस्ट भी इतने ज्यादा एक्स्ट्रा हो चुके हैं कि आपको पता है इतना बुरा हाल है कुछ कमरों का, गेस्ट एक दूसरे के ऊपर चढ़ के सो रहे हैं। हाँ जी, 3 गेस्ट तो रिसेप्शनिस्ट की गोद में सो रहे हैं। बहुत ज्यादा बुरा हाल है अभी। जी जी, एक काम करो ना। जी मैं अरेंज कराता हूँ। जी पीछे वाला 329 नंबर कमरा है ना? हाँ जी, अजय देवगन वाला, वो इनको दे दो। तुम्हारे यहाँ अजय देवगन भी रुकता है? आ रहते हैं। साहब जी आपने बताया नहीं कि हमारी दादी का असली नाम अजय देवगन? जाके अजय देवगन को बोल कि आपका चेकआउट का टाइम हो गया, हमारे नए गेस्ट आ गए, चल भाग जाओ। साहब जी आपको तो पता है जब हमारे अजय देवगन शराब पी के सोते तो 1 बजे से पहले उठते नहीं है। कल मैंने उनको 1 बजे से पहले उठाया, उन्होंने मेरी पीठ पे काट लिया है। मैं एडजस्ट करता हूँ। अबे जाके मंजू सुबह मेरे साथ झगड़ा करके गई थी, उसका कमरा दे दे, मैं संभाल लूंगा। वाह साहब जी वाह, क्या आइडिया दे रहे हैं आप जूते पड़वाने का। ठीक है सर, आपका रूम हो गया है। हाँ। तो आप कुछ एडवांस दे दीजिए। हाँ। ठीक है, और साहब का सामान ले जाओ, अंदर छोड़ के आओ। दे दे, एक बार में चिल्लर रह जाएंगे तब देगा। ठीक है, साहब का सामान अंदर छोड़ के आओ। ये सामान आपका? तो फिर उठाओ, इधर आओ, मेरे पीछे पीछे आओ, घर कह रहे हो, आओ इधर आओ, इधर आओ। हेलो जी। हाँ देखिए, मुख्यमंत्री हो चाहे प्रधानमंत्री, कमरा नहीं है तो नहीं है। रूम अवेलेबल नहीं है? नहीं है जी। चल हाँ चलो फिर चल। ए तुम लोग किधर जा रहे हो? अभी तुम्ही ने तो बोला प्रधानमंत्री हो या मुख्यमंत्री, रूम नहीं है तो तुम मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री हो? कहाँ से आए आप? जयपुर से आए। अच्छा अच्छा, जयपुर। हम भाग के शादी करने आए हैं। भाग के शादी? भाग के शादी तो करनी नहीं चाहिए बिल्कुल। हा? क्योंकि आप भाग के शादी करेंगे तो कपड़ों पसीना आ जाता है, फोटो अच्छी नहीं आती है शादी के। हेलो ब्रो ब्रो लिसन टू मी, इसका मतलब ये है कि हम अपने माँ बाप से भाग कर शादी कर रहे हैं। पर माँ बाप से भाग क्यों रहे थे आप? देखो आप समझने की कोशिश नहीं कर रहे, एक्चुअली प्रॉब्लम मेरे पापा की है, उन्हें ये प्यार व्यार से एकदम सख्त नफरत है, एकदम सख्त नफरत। क्या बात कर रहे हैं, प्यार व्यार से नफरत है? बिल्कुल। तो आपका प्रिंटआउट निकलवाया था कहीं से?
खैर आप डिटेल लिखवाइए अपनी, आइए आइए फटाफट आइए जी। आपका नाम क्या है? जय भानुशाली। जय भानुशाली, हाँ। वाह वाह, वेरी भाग्यशाली। और आपका? माही। माही भानुशाली जी। तो आपका मोबाइल नंबर लिख दीजिए। हाँ। इधर नहीं, मुझसे क्यों नहीं पूछा? आपसे मुझे क्या काम पड़ेगा, चलो बोल दे यार, तेरा मोबाइल नंबर क्या है? 982 00। ठीक है, अब बताइए आपको किस तरीके का रूम चाहिए? आप बताइए किस तरह के रूम्स हैं आपके होटल में? ये हमारा मेन्यू है, एक रात का 15,000 रुपया। 15,000 रुपये? भाई साहब, हमें सिर्फ सोना है एक रात के लिए। तो एक काम करेंगे, जब आप सोएंगे तो उठा के बाहर रख दें, चलेगा आपको? जी। अच्छा, आपके रूम में आप फैसिलिटीज क्या देने वाले? फैसिलिटीज तो मैं आपको क्या बताऊं, हमारे रूम में आपको हम लोग एक खूबसूरत छत देंगे, एक फ्लोर, और चारों तरफ खूबसूरत दीवारें बनी हुई है। ये तो हर होटल में होते हैं यार, तुम मुझे बताओ कि एसी वैसी है कि नहीं यार? ये गर्मी काफी चल रही है। एसी नहीं, मेरे को ठंड लगती है। एसी नहीं लगते। हेलो, रहना हमें है तुम्हें नहीं। एक काम करते ना, आपको ज्यादा गर्मी लगती ना तो हम आपको मिंट वाला पान दे देंगे, उसके बाद पानी पियो, ठंडा ठंडा लगता है। कमाल है, एसी नहीं है और 15,000 रुपए बहुत महंगा, दिस इज टू मच, हम चलते हैं। अगर आपको बजट में ज्यादा प्रॉब्लम है तो आप मेरे साथ रूम शेयर कर लीजिए, लेकिन मेरी एक शर्त है, मैं बीच में सोता हूँ। बीच में क्यों? क्योंकि मैं साइड से गिर जाता हूँ। अबे ये कैसी बात हुई यार? अरे होता है भाई साहब, कहीं किस्मत खराब होती है, मैं तो चटाई पे सोऊं तब भी गिर जाता हूँ। अच्छा छोड़ो ना, आप अपना बजट बताओ, आपका कितना, आपका कितना बजट बताइए? बता दो यार तुम सीधा। 8,000। और आपका? बोला ना 8,000। दोनों मिला के 16 हो गया, मैं 15 मांग रहा था, मैं गलत किया मैंने। हमने कहा मिलाकर 8,000, 8,000। अच्छा दोनों का, देखो हाँ। चलो एक काम करते हैं, ना आपकी ना मेरी, 12 में डन करते हैं। तो ये तुम्हारी हुई। अच्छा, थैंक यू सो मच। मैं डील की बात कर रहा था। ठीक है, आप लोग मेरे को अच्छे इंसान लग रहे हैं, 8,000 में डील डन। ठीक है राजू। हाँ जी सर। कम जी सर, इनको 99 नंबर रूम दे दीजिए। साहब जी, एक ही रूम है हमारे पास, उसमें भी वो बुड्ढा बुड्ढी सो रहे हैं, इनको कहाँ एडजस्ट करूंगा? बगल में सुला देना, क्या पता चल रहा है। साहब जी, अगर इनको पता चल गया फिर? अभी बुड्ढा बुड्ढी का मैंने पता कर लिया, उनकी पास की नजर कमजोर है, तो इनको उनके पास में सुला दे। और ये तो वैसे ही प्यार में अंधे, इनको क्या पता चलेगा। चलिए ठीक है, चलो जी मैं आपको आपका रूम दिखा देता हूँ। चलिए, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, आपने ना लाइट नहीं ऑन करनी। क्यों? मच्छर आते? मच्छर नहीं आते, बिल बड़े आते हैं। मच्छर तो आगे चले जाते हैं, बिल आते जाती नहीं। और देखिए, आपको किसी भी चीज की जरूरत पड़े आधी रात को, बेझिझक आपने किसी से कुछ नहीं कहना, हमारा सबका सोने का टाइम है जी। ले जाइए इनको अंदर। ये सामान आपका? हाँ, ये लेकर मेरे पीछे पीछे आ जाइए। एक तो देश में इतनी गरीबी चल रही है, घर पे एक कमरे में 20-20 लोग रहते हैं, होटल में अकेले अकेले को जाइए उनको, अकेले तुम लोगों ने बड़े एक्सपेरिमेंट करना कुछ। अबे क्या पागल बना रहे हो, किसी और करूं, हमें क्यों दे रहे हो? किसी और करूं मतलब क्या? ऑलरेडी वहां पे एक बुड्ढा और बुड्ढी सो रहे हैं। हाँ। देखिए आपको कोई गलतफहमी हुई है, कोई बुड्ढा बुड्ढी नहीं उधर, मैं ऐसे कैसे हो सकता है राजू? हाँ जी साहब जी, चलो जी साहब जी। राजू। हाँ जी। ये क्या बुड्ढा बुड्ढी कौन है इनके रूम में? साहब जी वो बुड्ढा बुड्ढी वो असली नहीं है वो। हाँ हाँ जी, वो मरे हुए हैं। मरे हुए? हाँ जी। हाँ हाँ, नहीं वो एक्चुअली ना वो आत्माएं हैं। आत्माएं हैं। 4 दिन पहले एक्सीडेंट हुआ था, रोड एक्सीडेंट, उसमें वो मरे थे। एक्चुअली अपना पैन कार्ड भूल गए थे, इसलिए लेने आए होंगे। हाँ मतलब दे आर वेरी नाइस पीपल, वेरी वेरी। आप तो उनके बीच में से भी निकल जाएंगे, कुछ नहीं कहेंगे। No. अच्छा अच्छा, कुछ नहीं कहेंगे। तुम्हें पता है उसने क्या किया? क्या किया? पहले तो अपनी धोती निकाल के पंखे में लटका दी है? उसके बाद मुझे लगा कि यार मैं कोई सपना वपना देख रहा हूँ। अच्छा, लेकिन बाद में नहाने के बाद वो मेरे पेट पर योगा करना शुरू कर दिया। तब मुझे यकीन हुआ कि ये सही है। बट हम इस होटल में नहीं। आ, 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 प्लीज कुछ अरेंज कीजिए हमारे लिए, कोई दूसरा रूम। हम
ऐसे भड़क रहे हैं, दे आर वेरी फ्रेंडली पीपल, दे आर इको फ्रेंडली. आप मैं रूम चाहिए. ओके, मैं अरेंज करता हूँ रूम. हाँ. बचाओ, अरे बचाओ, अरे हमारी जान चली जाती. अरे कहाँ जा रहे हो, यहीं रुको, पैसे लाओ, हमें नहीं रूम. कहे मैनेजर, मारूंगा उसको मैं. एक मिनट, क्या हुआ, क्या उधर वो क्या हुआ? अरे तुमने जिस कमरे में हमें रखा था वो भूत है, शर्म नहीं आती तुम्हें ऐसे करते हुए? ये देखो, ध्यान से देखो इस मैसेज को. 4 दिन पहले हमें किसी ने भेजा था, ये जवान लड़का लड़की एक एक्सीडेंट में मर गए थे और यही लड़का लड़की कमरे में थे. अरे ये लड़का लड़की तो ये है. सबसे पहले तो आपका ढेर सारा शुक्रिया कि आपने ढेर सारी फिल्मों में म्यूजिक देके इतने सारे खूबसूरत गानों के साथ हमें एंटरटेन किया है. आपको बहुत बहुत बधाई उसके लिए. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू. सलीम भाई, सुलेमान भाई, आप लोग बेसिकली गुजरात से हैं. सो गुजरात के लोग ज्यादातर जो होते हैं वो बिजनेस माइंडेड होते हैं, तो म्यूजिक में कैसे आना हुआ सर? एक्चुअली हमारे अब्बा, हमारे फादर भी म्यूजिक में थे जी, और वो फिल्म इंडस्ट्री से उनके ताल्लुकात थे, और पर उसके बाद उन्होंने एक्चुअली बिजनेस शुरू किया म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स का. ओके. तो हम बचपन से, हमारे पास साज की कोई कमी नहीं थी, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स हमेशा रहते थे, तो बचपन से ही हमारे म्यूजिक में हमारा दिल था. हमारे जो खिलौने थे वो बोंगो, कॉन्गो, ड्रम, ऐसे सब इंस्ट्रूमेंट्स होते थे, तो जायज था कि वो हम लोग पिकअप करने वाले ही थे. राइट. और जीन्स में है तो हो गया. नहीं, अच्छी बात है, और इससे ये हमें सबक मिलता है कि बच्चों को जिस फील्ड में भेजना हो वैसे ही खिलौने दिए जाएं. नहीं, नहीं। तो मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया बाजी, अगर मान लो हमारा दिल करके अपने बच्चे को आर्मी में भेजना है तो क्या उनको बंदूकें दें? ये प्यार की राह पे चलने वाले जो प्यार की राह पे चले हैं उनका एहतराम करता हूं. सच्चे आशिकों के नाम मोहब्बत का जाम करता हूं. संगीत की दुनिया में करोड़ों लोगों को मंत्र मुग्ध करने वाले सलीम सुलेमान की जोड़ी को मैं सलाम. अरे वाह, क्या बात है. अरे सुलेमान सर, ये जो आप इंस्ट्रूमेंट प्ले कर रहे हैं, हाँ, ये मैंने हमेशा आपके हाथ में देखा है जी, और शायद किससे बचता भी नहीं है मेरे ख्याल से. ये इंस्ट्रूमेंट का क्या नाम है सर? ये इसका नाम है जेन ड्रम. जेन ड्रम, हाँ. ये आवाज नहीं करता है. आवाज नहीं करता है, जेन है ना, शांति, मेडिटेशन. मतलब इसको क्यों फिर प्ले करते हैं अगर आवाज नहीं करता? नहीं, इसका ये वायरलेस और ये सब वैसे कनेक्ट होता है लैपटॉप के साथ और फिर बजता है. अच्छा, मतलब वैसे अगर इसको लैपटॉप के साथ कनेक्ट करो साउंड तभी आएगा बाहर. हाँ, अदरवाइज अपने मजे के लिए ये फिर ऐसे ही. अच्छा पाजी, हमने ये भी देखा है कि तकरीबन ना म्यूजिक डायरेक्टर्स की जोड़ियां जो हैं काफी फेमस होती हैं, जैसे हम लोग पुराने टाइम में भी देखे कल्याण जी, नंदजी साहब, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल साहब, सलीम सुलेमान. तो सर फिल्म तो एक ही होती है, तो ऐसे नुकसान नहीं होता पैसे का? मैं अपने बारे में बोलता हूँ, यहाँ तो सब पैसा घर में ही आ रहा है. हाँ, ये भी अच्छी बात है. हाँ, ये बड़ा अच्छा. तो ये तो अभी ऑफकोर्स कल्याण जी भाई, आनंद जी भाई भी भाई भाई थे जी, लेकिन हमारे साथ एडवांटेज बहुत अच्छा है कि सब पूरी जो पूरा जो धन है वो घर में. तो ज्यादा पैसे बड़ा भाई रखता है छोटा? ये हम शूट के बाद बात करेंगे. मैं अपने दर्शकों को ये बता दूं कि सलीम सुलेमान सिर्फ म्यूजिक डायरेक्टर ही नहीं, जैसे आपने देखा सलीम भाई गाते भी बड़ा अच्छा है, और सुलेमान सर कितने सारे इंस्ट्रूमेंट्स जो है वो प्ले करते हैं, और सलीम भाई ने ट्रिनिटी कॉलेज ऑफ लंदन से पियानो में मास्टर किया है, और सुलेमान भाई ने जाकिर हुसैन साहब से तबले की तालीम ली है. सर यही कारण है कि आपके म्यूजिक में लाउडनेस कम और फील ज्यादा रहता है. अच्छा, लाउडनेस भी आ जाता है कभी? आ जाता है भाई. नहीं, वो तो डिमांड होती है कभी कभी लिरिक्स की, वैसे अदरवाइज आपके गानों में देखा फील बहुत होता है. मैं पर्सनली आपका बहुत बड़ा फैन हूं सर,
मौला मेरे ले ले मेरी जान सर, कितना खूबसूरत गाना है। और आज भी जब कभी पाजी, ये आपसे भी रिलेटेड है कि जब आप आज भी हमारी इंडियन टीम जब कोई कप जीत के आती, कोई सीरीज जीत के आती, तो एक ही गाना बजता है, चक दे चक दे। ये सर इन्हीं की करामात है। वैसे यू नो जब ये गाना जब लिखा गया था जी, मौला मेरे की बात कर रहा हूँ, तो उसके जब शब्द जब वर्ड्स लिखे गए थे कि तीजा तेरा रंग था मैं, काफी लोगों को ये शायद पता नहीं है कि वो हमारे भारतीय फ्लैग के बारे में, हमारे तिरंगे के बारे में लिखा गया है कि तीजा तेरा रंग था मैं, जिया तेरे दंग से मैं, तू ही था मौला तू ही मेरी आन, मौला मेरे ले ले मेरी। क्या बात है। और मैं एक बात और अपने दर्शकों को बताना चाहता हूँ, तकरीबन सब लोग जानते हैं लेकिन फिर भी जिनको नहीं पता है उनके लिए बता दूं कि सलीम सुलेमान सिर्फ इंडियन म्यूजिक तक ही सीमित नहीं है बाजी। 2010 में जो फीफा वर्ल्ड कप हुआ था उसका एंथम भी इन्होंने ही तैयार किया था, इसके लिए जोरदार तालियां। उसके बाद लेडी गागा जो इंटरनेशनल सिंगर है उनके साथ भी इन्होंने एक सॉन्ग रिमिक्स किया, तो सर आपको उनके साथ मैचिंग करने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुआ? मैचिंग हो जाता है वो जब जब एक बार काम करना शुरू करते हैं, एक गाना लेकर अगर बैठ जाते हैं तो ऑटोमेटिकली कुछ ना कुछ निकल आता है और वो अच्छा ही निकलता है। वो तो जाहिर सी बात है, सलीम सुलेमान है तो अच्छा निकलेगा। मैं म्यूजिक की बात ही नहीं कर रहा, मैं कपड़ों की बात कर रहा था। लेडी गागा बहुत अच्छी सिंगर है, कपड़े जो होते हैं उनके वो भी बड़े अच्छे होते हैं, पर सलीम सुलेमान को बेस्ट ग्रेस्ट कंपोजर का अवार्ड भी मिल चुका है, ये भी मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूँ। खैर बाजी आपसे ढेर सारी बातें करेंगे, आपके चाहने वाले यहाँ पे मौजूद हैं, इनका भी आपसे तारुफ कराएंगे, आप प्लीज यहाँ पे विराजमान हो जाइए। जोरदार तालियां मिस्टर सलीम सुलेमान के लिए। शर्मा जी हाय। सलीम सुलेमान हाय, हाउ आर यू? वेरी गुड, हाउ आर यू? वेरी गुड। हाय हेलो, तो ऐसे करें जैसे बचपन में गुड्डे गुड्डे का खेल खेलते थे। एक्चुअली मैं इन्हें ऑलमोस्ट बचपन से जानती हूँ क्योंकि हम कॉलेज में साथ ही थे। अच्छा, क्या बात कर रही है? Really? Yeah. मुझे तो कुछ याद नहीं है। वो ट्रिनिटी कॉलेज ऑफ लंदन, तो फुटपाथ कॉलेज ऑफ फाइन आर्ट्स है। क्या मुकाबला उनके बीच? आप पहचानते हैं उनको? नहीं यार। नहीं, मैं आपको याद दिला देता हूँ, अगर नहीं याद है तो आपको। आप जब कॉलेज में पढ़ते थे तो कैंटीन होती थी ना, उसपे जहाँ पे टेबल पे कभी चाय मंगवा के पीना, तबला बजाते थे आप, तो वो जो चाय लेके आता था आदमी आपके लिए, हाँ बाकी आप चेहरा मिला लो। पापा ना, तेरे पापा का बैंड बजा रहा है। शर्मा जी ऐसी कोई बात नहीं, आप सीरियसली याद कीजिए, हम लोग म्यूजिक क्लास में साथ में थे। म्यूजिक क्लास में? हाँ। मुझे तो कौन सी म्यूजिक क्लास में, कौन सी म्यूजिक क्लास थी? आप मेरी क्लास तो नहीं ले रहे? मैं I don't remember. नहीं, हम साथ में थे म्यूजिक क्लास में आफ्टर कॉलेज। मैं याद दिलाता हूँ आपको, जब म्यूजिक क्लास आपकी लगती थी तो हारमोनियम पड़ा रहता था, सितार, और सितार के बगल में एक तानपुरा पड़ा रहता था, बाकी आप शक्ल मिला लो। आपने मुझे तानपुरा कहा, पापा को अगर मैंने आपकी शिकायत कर दी ना तो पता नहीं वो क्या कर देंगे। पापा तो बड़े डिप्टी कमिश्नर हैं ना, पता नहीं क्या कर देंगे। ज्यादा ज्यादा क्या कर देंगे, गुस्से में आगे अपनी कचरे वाली बोरी फाड़ देंगे और उनके पास आए क्या? Excuse me, पापा के पास दो दो फैक्ट्री है। ओके, मैं बता दूं फिर कौन सी वाली फैक्ट्रीज है? सर इनकी बस अड्डे पे दो फैक्ट्रीज है इनके पापा की, दोनों फैक्ट्रीज के बाहर लिखा है, एक के बाहर जेंट्स एक के बाहर लेडीज लिखा है। और वो फैक्ट्री के सीईओ है, खुद बाहर बैठते हैं, एक हाथ से ऐसे मुंह पर रुमाल रखा है और दूसरा हाथ ऐसे एरो बनाया, उस पर साफ साफ लिखा है कृपया छुट्टे पैसे दें। ये फैक्ट्रीज है इनकी। वैसे मैं अपने दोस्तों से बात करने आई हूँ, आपसे नहीं। वैसे मेरे फैमिली में ना सभी बहुत अच्छे सिंगर्स हैं, स्पेशली माय ब्रदर बहुत अच्छा गाता है, कमाल का गाता अच्छा? है। अच्छा, कहाँ गाता है? सर कहाँ कहाँ नहीं गाता। आप जैसे आप हैं, जैसे आप कभी शोज करने जाते हो तो वहां पे भीड़ इकट्ठी हो जाती है, इसका भाई वहां गाता है जहां ऑलरेडी भीड़ हो। जैसे मेले में घुस गए कहीं या जनरल डिब्बे में घुस गए, जहां अच्छा है वैसे टीटी नहीं घुस पाता वहां पे घुस जाते हैं, ऐसे काम करते हैं इनके भाई साहब। देखो मेरा भाई रॉकस्टार है। ओके, रॉकस्टार पता, मैं बताता हूँ कैसे है। कैसे? आपने कभी स्ट्रगल के दिनों में ट्रेन में सफर किया हो कभी? वो पत्थर लेके नहीं गाते जो वो पत्थर लेके गाते जो तेरे संग प्यार में नहीं जोड़ना चाहे चाहे दारा मैनू जगी छोड़ना
ये पत्थर रगड़ते रगड़ते ना एक बार तो आग जल गई, पता है पूरी छाती जल गई उसकी। फिर डेढ़ घंटा रोता रहा प्लेटफॉर्म पे। मैंने कहा हुआ क्या, छाती जल गई, फिर क्या होगा, हो जाएगी ठीक। कहते छाती के बाल तो दोबारा उगाएंगे, यहाँ पे जो ऊपर लीजिए मैं 10 रुपए पड़े थे वो जल गए मेरे। ये वो वाला रॉकस्टार है। शर्मा जी, आप मेरे दोस्तों के सामने आप ही मेरी भाई की इंसल्ट की। किसी दिन आपके दोस्त जब घर पे आएंगे ना, तब देखना, मैंने अगर बदला नहीं लिया ना तो मेरा भी ना मंजू नहीं। ओए वो सर, ये ऐसी है, कोई भी गेस्ट आता ना अपने घर वालों को काम दिलवाने में लग जाती है। मेरे भाई को गवा लो, मेरे बाप को गवा लो। ये नहीं कि घर में पति पड़ा वो भी तो अच्छा गाता, उसकी सिफारिश नहीं करती कभी। हाय हाय, उसके बाद ये स्टूपिड ऑफ कोर्स। बड़ा टेस्टी है यार। ये सब क्या है? इसको मैंगो शेक कहते हैं, ये चिप्स है, और आपके मुंह में जो आया उसको पानी कहते हैं। लार तो पक रही है। तेरे को शर्म नहीं आती बदतमीज आदमी? घर में इतने बड़े बड़े मेहमान आए, उनको कुछ पूछ रहा, खुद ही खाई जा रहा है। कहां से आया सब? आना कहां से? मैंने इनसे 500 रुपए लिया था सलीम और सुलेमान जी से, बस उसी का सामान लेकर आया हूँ मैं। तो 500 में से इतना ही आया सब? नहीं नहीं, और भी है। उसके लिए दादी और बुआ एक दूसरे के बाल नोच रहे हैं। साहब जी, आप भी ना ये सारे अपने घर के किस्से ना सुना सुना के ना मेहमानों को बोर कर रहे हो। एक मिनट रुको जरा, मेरे को इनसे मेन बात करनी है सर। हाँ जी बोलिए। आप मुझे अपने यहाँ नौकरी पर रख लेना। क्यों, कैसे? कैसे तुझे क्यों रखेंगे काम पे? टैलेंट, बिकॉज ऑफ टैलेंट। क्या टैलेंट? क्या टैलेंट? मैं लिख भी लेता हूँ। क्या लिखते हो सर? ये बाथरूम में जो गंदी गंदी बातें लिखी होती ना, सब इसी ने लिखी होती। रेलवे स्टेशन पे, बस स्टैंड पे, यही यही सब करता है। यही लिखता है तू? अगर मैं लिखता हूँ तो आप पढ़ते क्यों हैं? अच्छा, क्या टाइप के गाने लिखते भाई? सुनाऊं आपको, परफॉर्म करके देखूं? प्लीज। किसी के डोसे ने, किसी के सांबर ने, तीखी चटनी ने, और पूछा है रसमलाई से, कब खाओगे मुझे, कब खाओगे मुझे, कब खाओगे। तेरे गानों में भूख क्यों है? क्या जैसे राइटर के क्या भूख है मेरे गानों में? और नहीं तो क्या? जैसे राइटर के हालात होंगे वैसा ही गाना आएगा। क्या चला पतीसे जैसे मुंह ले अंदर, चल जब भाग गया। कहां कहां से आ जाते उठ के। सर चाय लेंगे आप? हाँ जी, मंगवा लीजिए, इधर है नहीं। बदतमीज आदमी है। अरे सर, आपने फुटबॉल वर्ल्ड कप के लिए गाना कंपोज किया, फिर आपने चकदे फिल्म में जो हॉकी के ऊपर बेस्ड थी उसके लिए कंपोज किया, इकबाल फिल्म जो क्रिकेट के ऊपर बेस्ड थी उसके ऊपर किया, चाहते क्या हैं सर आप? एक्चुअली क्या है कि कपिल साहब, हमें हमेशा इंस्पिरेशनल गाने बहुत पसंद है, जैसे ये हौसला जी, बड़ा खूबसूरत गाना है, आशा है, ये सब गाने जो है वो हो जाए थोड़ा सा तो हो जाए फिर। ये हौसला कैसे झुके, ये आरज़ू कैसे रुके, मंजिल मुश्किल तो क्या, धुंधला साहिल तो क्या, तन्हा ये दिल तो क्या। कैसे झुके ये आरज़ू कैसे रुके, मंजिल मुश्किल तो क्या, धुंधला साहिल तो क्या, तन्हा ये दिल तो क्या। जैसे मेरे मन में बहुत सारे सवाल हैं, ऐसे ही जो यहाँ पे आपके फैंस बैठे हैं इनके मन में बहुत सारे सवाल हैं। आप लोग एक एक करके सलीम सुलेमान से अपने दिल की बात कर सकते हैं। सबसे पहले कौन सवाल लेके आ रहे हैं? जी भाई साहब। सत श्री अकाल सर, मेरा सवाल आपसे है, सलीम सर से, सुलेमान सर से, कि जैसे आपका नाम सारी दुनिया में है,
वैसे ही जैसे आर डी बर्मन सर भी म्यूजिक क्रिएट करते थे जैसे झाड़ू से, कांच के ग्लास से और कंगे से, वैसे ही कभी आपने भी ऐसे अजीब अजीब चीजों से कभी म्यूजिक क्रिएट किए? किए तो है वैसे, हम बहुत टाइम हो गया सर, एट ऑन द स्पॉट करके दिखा सकते हो? अच्छा, एमी 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 सर। तो यहाँ पर भी इतने अच्छे अच्छे म्यूजिशियंस है, इनके साज है, इनके इंस्ट्रूमेंट्स है, तो हम आपको यही बता देते कि हम क्या करते। अरे वाह, हो जाए सर। कपिल सर, मैं चाहूंगा कि आप हमारे साथ एक गाना गाए। अरे सर, माय प्लेजर, माय प्लेजर। मैं तो इसीलिए अपना माइक अपने सोफे के अंदर ही रखता हूँ। थैंक यू। मेरे को मौका मिलना चाहिए। गाना गाने का मौका मिलना चाहिए। अच्छा, किस्मत हो तो मेरे जैसी। मैं जिन जिन का फैन हूँ ना, मैं सलीम सुलेमान का इतना बड़ा फैन हूँ, इन्होंने कभी गाना गाया, लेकिन हमारे शो पे आके आज मैं इन्हीं के डायरेक्शन में गाना गा रहा हूँ। यस, कम ऑन। जा तेरा रंग था मैं तो, तीजा तेरा रंग था मैं तो, जिया तेरे ढंग से मैं तो, तू ही है मौला, तू ही आन मौला मेरे, ले ले मेरी जान मौला मेरे, ले ले मेरी जान मौला मेरे, ले ले मेरी जान। क्या बात है, एक बार जोरदार तालियां सर। सुपर, वाह, थैंक यू। तालियां में कंजूसी मत किया करो यार। ओके, वो शुक्रिया ब्रदर, आपके इस खूबसूरत फरमाइश के लिए। थैंक यू सर। बैठिए सर आप प्लीज। जी, और कोई हमारे दोस्त जो सलीम से सुलेमान से बात करना चाहते हैं? हेलो सिद्धू पाजी, प्रणाम। कपिल सर, लव यू। लव यू टू सर। सलीम सर, सुलेमान सर, सर हम कजिन्स लोग यहाँ पे आए हैं। सर हम लोग सारे कच्छ से हैं, मेरे ख्याल से आप भी कच्छ से बिलोंग करते हैं। कपिल जी ने बताया था कि गुजरात जी, लेकिन गुजरात में भी स्पेसिफिकली आप कच्छ से हैं। आए के कच्छी अच्छे थी, पूरी तरह अच्छे थी। जो को चौया से हम बोलने बताए आगे कच्ची में, लोगों में कंफ्यूज थे। सर कच्ची का एक स्पेशल डांस होता है, उसको बोलते हैं सर मटुकड़ी, और एक स्पेशल गाना होता है कच्ची का जिसको बोलते हैं कच्चियो। नहीं लगेगा ये, नहीं लगेगा यार। सर पंजाब कच्ची लैंग्वेज, कच्ची लैंग्वेज, सर कच्ची लैंग्वेज में एक गाना होता है उसको बोलते हैं गजियो, और सर कच्ची फॉर्म ऑफ डांस होता है जिसको बोलते हैं मटुकड़ी। तो सर हम चाहते हैं कि सर के साथ हम आके एक बार डांस करें और एक बार वो गाना सर से सुने, प्लीज सर। आपको आपको आता है गाना कौन सा? यार ये गाना मुझे नहीं पता यार। सर मैं आपको आके सिर्फ बता दूंगा, सिखा तो नहीं सकता हूँ लेकिन बता दूंगा, फिर आप सर गाएंगे। आप गा लीजिए, आपको आते हैं साथ में सर, आप ही गा लीजिए ना अगर आपको आता है वो गाना। ठीक है सर, चलेगा। आइए आइए प्लीज। गजियो मुझो जोर जलाणू, गजियो मुझो जोर जलाणू, जलाड़े में झुलिया एक गजियो ती गाया रे, गजियो ती गाया। गजियो, words again, गजियो, गजियो मुझो जोर जलाणु, गजियो मुझो जोर जलाणु, जलाने में झुलिया, जलाने में झुलिया, जलाने में झुलिया, गजियो अरे भाई पंजाबी गाने में आपने बड़ा डांस किया, आज गुजराती गाने में नाचेंगे यार। सर कच्ची गाने में? हाँ तो गुजरात का ही है वो भी। सर ये जो डांस होता है जो मटुकड़ी,
सर उसका एक सिंपल लॉजिक है। तो सर उसमें क्या होता है कि जैसे हम भजिया तलते हैं तो ये भजिए के अंदर तेल डाला और फिर भजिए को बाहर निकाल दिया। भजिए के अंदर तेल डाला, तेल के अंदर भजिया डाला सर, इनके पर्सोना के सामने थोड़ा फ्लैटर कर गया। तो सर तेल के अंदर भजिया डाला और निकाल दिया, फिर राइट हैंड से भजिया डाला और बाकी का तेल किधर गया? ओके हाँ जी प्लीज भजिया तलते हैं, चलिए। गजियों मुझो जोर जलाना, गजियों मुझो जोर जलाना, जलाने बिजलिया दे गजियो दे जलिया, दे गजियो दे जलिया। गजियों मुझो जोर जलाना, गजियों मुझो जोर जलाना, जलाने बिजलिया दे गजियो दे जलिया, दे गजियो दे ए गजियो ते गया, ए गजियो ते गया। क्या बात है, आज गुजरात छा गया। वन सेकेंड, पूरी 2.5 किलो भाजी तल दी आपने, तीनों ने काफी भजिया तला उधर। वेरी नाइस, थैंक यू ब्रदर, थैंक यू सो मच शो में आने के लिए। बहुत अच्छा, थैंक यू सर, बहुत अच्छा गाना सिखाया आपने हमें आज। थैंक यू ब्रदर, थैंक यू मेरे भाई, थैंक यू। ओके ब्रदर, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। तल दी ना, तलती सारी भाजी पूजी। अच्छा मैंने एक चीज देखी भाजी, ये गुजरात वालों का जो डांस होता ना बड़ा स्वीट, ये सारा परिवार इकट्ठा होकर नाच सकते हैं आप, है ना? बड़े कढ़ाई में तेल डाल लिया, भजिया निकाल दिया। हमारे पंजाब में जब डांस करते हैं शुरू साथ में करते हैं, बाद में पैक गे के जाता है, फिर सब अलग अलग फैल जाता है जी। और कोई हमारे दोस्त? ओ हाय कपिल, हाय नमस्कार जी, हेलो सिद्धू जी, चितकबरी मोहतरमा क्या? हेलो सलीम जी, हेलो सुलेमान जी, मेरा क्वेश्चन सलीम सर और सुलेमान सर से था, और तीसरे कोई है भी नहीं इधर, उन्हीं से होगा जी। अच्छा सर, अगर ये कपिल शर्मा नहीं होकर अगर न्यू कमर होते अमृतसर से, और इनका अगर आपको इनको करियर बनाना है म्यूजिक इंडस्ट्री में और आपको इनका ऑडिशन लेना है, तो आप किस तरह से उनका ऑडिशन लेते अपने स्टूडियो में? अच्छा मैं आ गया। हेलो सर। हेलो सर, सलीम सुलेमान जी से मिलना था। अच्छा मिल लीजिए। तो सर ऐसे मैं गाना गाना चाहता हूँ। गा लीजिए। मैं तो मतलब ऐसे फिल्म में गाना चाहता हूँ। गा लीजिए। आप कहाँ के हो, कहाँ से आए हो? सर मैं घर से आया हूँ। मेरा मतलब शुरू से सपना था कि मैं मतलब सलीम सुलेमान जी को चांस दूं अपने गाने के, मतलब आप मुझे चांस दें। तो सुनाइए कुछ गाना। सुनाइए। ऐसे मैं सुनाता नहीं हूँ सर, तो सीधा टेक फिल्म में कर लीजिए। अरे गिव एंड टेक तो बाद में हम करेंगे सर। मम्मी कहती है ऐसे सुनाओ तो नजर लग जाती है। तो... वैसे आप कहाँ के रहने वाले हो? मैं घर के तो पता है जी, घर से आए हो, बट कहाँ के रहने वाले? तकरीबन सड़क पे रहने वाला हूँ तकरीबन, जो कि अभी तक चांस मिला नहीं है, तो तकरीबन सड़क पे रहते हैं। नहीं पर आपकी आवाज़ तो मुझे लगता है आप जिससे बात कर रहे हैं तो ऐसा लगता है कि आपकी आवाज़ में मौसीकी है। क्या है सर? मौसीकी, सिंगिंग, म्यूजिक। मौसीकी नहीं है सर, मेरी अपनी है, मौसीकी गाती नहीं है। ये क्या करवा रही हैं आप हमसे? कहाँ से आए आप? I'm from कांदिवली, मुंबई। कांदिवली से? अच्छा, थैंक यू सो मच मैम, धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच आने के लिए। थैंक यू। आपने ड्रेस बड़ी अच्छी पहनी है। थैंक यू सो मच। ये न्यूज़पेपर की बनवाई है? ऐसा ही कुछ समझिए। नहीं नहीं, पर आप अपने बड़ी अच्छी ड्रेस पहनी हुई है। थैंक यू सो मच, बड़ी अच्छी लग रही हैं आप। चिल्ला क्यों रही है? ये देख, हार डाला। ये देख बिट्टू, वो वाली कहावत आज बिल्कुल झूठी निकली कि जिसके गले में ढोल हो उसे पता होता है कि वो कैसे बजता है। सिद्धू जी क्या बताऊं, पिछले 2 घंटे से ये ढोल बजाने की कोशिश कर रही हूं लेकिन ये बजता ही नहीं है। फाड़ डाला। क्या बात है, क्या बात है सलीम सुलेमान, आज ये हमारे
अरे वाह वाह वाह, कैसे हो चो? खुश रहो खुश रहो, आप भी खुश रहो। एक्चुअली ना तुम लोग मस्त मौके पर आए हो। अच्छा, क्योंकि मैं तुम लोगों को जो ऑफर देने वाली हूँ ना, उसे सुनने के बाद तुम दोनों के होश उड़ जाएंगे। तो फिर मत दो ऑफर। नहीं नहीं सुनो, होश तो उड़नी चाहिए। एक्चुअली क्या है ना, आप सब भी सुनिए सिद्धू जी, हम लोगों ने ना मिलकर एक बैंड बनाई है, बीपीडी बैंड। बीपीडी बैंड, और आज बीपीडी बैंड के लिए तुम दोनों सबसे पहले गाने वाले हो, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। फ्री ऑफ कॉस्ट? फ्री ऑफ कॉस्ट मतलब इनसे पैसे थोड़ी ना लूंगी पगले। अच्छा, ये तुम्हारे लिए गाने में गाएंगे, पैसे भी लेगी? ऑब्वियसली। बीपीडी का मतलब बड़ा ही फालतू बैंड। आती हूँ आपके पास बाद में। वैसे बीपीडी का फुल फॉर्म क्या है? बीपीडी का फुल फॉर्म, बड़े उतावले हो रहे हो। उस मैं बताऊं क्यों? मैं तुम्हें मिला ही देती हूँ सिद्धू जी, आप भी मिल लीजिए। बताओ। बीपीडी के पी से, जो ना सिर्फ गाना गाएगी बल्कि सलीम सुलेमान के म्यूजिक पे जबरन डांस भी करेगी। वो आपके नस नस में जोश भर देगी। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, इट्स बीपीडी की पी। शर्मा जी, ऑफ कोर्स, ऑब्वियसली ना, वो तो क्या है, मेरे अंदर इतना सारा टैलेंट भरा हुआ है ना, तो कहीं ना कहीं से तो बाहर निकलेगा ही ना। उमड़ उमड़ के निकलेगा। तो जो तेरे अंदर भरा है वो टैलेंट नहीं है, उससे जोश नहीं भरता, जब बाहर आता है आदमी सीधा बेहोश होता है उससे। अगर आपको ऐसी बेकार की बातें करनी है ना, तो प्लीज टॉक टू माय हैंड ओनली। चुप कर, मत मुंह लग, वी आर बंच ऑफ टैलेंटेड बैंड। ऑफ कोर्स वी आर। या सो शी वाज बीबीडी की पी। अब मैं आपको मिलाती हूँ बीबीडी की बी से, जिसे देखकर जवान लड़के लोगों को जोश नहीं बल्कि उनका दिल धड़कना रुक जाएंगे। इस बीबीडी की बी। कैसा लगा आपको मेरा फैशन का जलवा? जलवा? मेरे को तो पुरानी बिल्डिंग का मलबा लग रहा था भाई। ये जलवा आता है 16 से 25 तक होता है हलवा, 25 से 40 जलवा, उसके बाद सारा मलबा होता है। ये क्या कर रही थी बिट्टू? तू अपनी पर्सनल बुआ को ऐसे बोल रहा है? एनीवेज, सलीम एंड सुलेमान जी, कैसा लगा आपको हमारा बैंड? एक्चुअली मुझे बहुत अच्छा लगा रियली। तो क्या ये रिश्ता मैं पक्का समझूं? जल्दी बैंड छूने से पहले ही बंद करवा दी कि तू चुप कर। मम्मी, सलीम सुलेमान, मतलब आप दोनों हमारे बैंड के लिए गाओगे? जी बिल्कुल। नहीं नहीं सर सर, पहले कंफर्म कर लो, इनको कोई आता जाता कुछ नहीं, पागल लोग हैं ये। एक मिनट, क्या कह रहे हैं आप? हमें वो सारी चीजें आती है जो सलीम जी सुलेमान जी को आती है, जैसे लाइक रॉक पॉप जैज एंड ऑल। अरे यहाँ तक हमने तो बैकग्राउंड म्यूजिक तक दिया है। कब दिया बैकग्राउंड म्यूजिक तूने? मैंने कल ही बुआ को दिया था, ये कहीं रख के भूल गई हूँ तो मुझे नहीं पता फिर। Yes, yes. ये ब्रेड पकौड़े की बात नहीं हो रही है, डफर लोग हैं सर। मैंने आपको पहले बोला उनको कुछ नहीं आता। आता है। इसके कहने का मतलब ये है कि आप कुछ सिचुएशन तो देख के देखिए, फिर हम बताते हैं कि बैकग्राउंड म्यूजिक क्या होता है। क्यों? करेक्ट। यस यस, दे दो एक सिचुएशन, दे दो। हां जी, हां, हम बैकग्राउंड म्यूजिक देंगे उसके लिए। लीजिए ना। चलिए चलिए देते हैं। एक लड़का और एक लड़की, हां जी, पार्क में बैठे हैं और पुलिस आ जाती है। ये क्या है? ये पुलिस वाला लड़के को मार रहा है ना? मेरे साथ तो ऐसा ही हुआ था, मेरे बॉयफ्रेंड को बहुत मारा था पुलिस ने। सर ये लोगों को कुछ नहीं पता, मैंने पहले कहा था कोई बैकग्राउंड म्यूजिक ये नहीं दे सकते ये लोग। भागो यहाँ से, मेरी बेइज्जती कराने आ जाते हैं यहाँ पे। ठीक है, जा रहे, फिर कभी आएंगे अच्छा बैकग्राउंड लेकर। मम्मी, मेरी रिश्ते की बात कर लो। चुप कर, जब देखो तो शुरू हो जाती है। अच्छा बच्चों, ओके दादी, मेरे सलीम सुलेमान, प्रणाम प्रणाम दादी। तुम दोनों म्यूजिक देते हो ना? हाँ। मैंने एक चीज देखी है, तुम लोग हमेशा सिर्फ देते ही आए हो, बदले में तुम्हें कभी कुछ मिला नहीं है। आज बदले में तुम दोनों को कुछ दे देती हूँ। ठीक है ना? ओहो, 3 दिन की बारिश आई है देखो। अच्छा, पहली बार किसी को सुरीली पप्पी दी मैंने। चलो मम्मी, माय टर्न। मेरा काम हो गया, चल अंदर, जब देखो तो माय टर्न। चल निधि, हम फिर से आएंगे। हाँ चलो चलो, हम सीख के आते हैं।
अब जिस तरीके से ये दादी के बैंड ने सारा वातावरण खराब किया ना सर, इसको आप ही ठीक कर सकते हैं। एक बार हो जाए ऑडियंस के लिए जरा धमाकेदार परफॉर्मेंस। कपिल जी आपको भी गाना पड़ेगा। मैं बिल्कुल सर आपके साथ। एमी 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 लुट गया। तो हाजरीन पेश है आपके लिए तड़कता फड़कता। ओ कटोरे सुरमा पटोरे भगुद छिछोरे पड़े हाय फाये दिल पे डराती छटे चल जाती मार दिल गुलाटी पूछे वाय वाय हो काली कटोरे सुरमा पटोरे भगुद छिछोरे पड़े हाय फाये दिल पे डराती छटे चल जाती मार दिल गुलाटी पूछे वाय वाय जवान कुड़िए छे फुट से डेढ़ फुट हो गया हो मत तो आवे 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 उठ गया हो मत तो आवे 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 उठ गया मत तो आवे 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 उठ गया हो मत तो आवे 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 उठ गया थैंक यू सलीम एंड थैंक यू सो मच सुलेमान जी और देखते रहिए कॉमेडी नाइट विद कपिल।